जब भी आप प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो दो टर्म्स आपके सामने बार बार आएंगे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। इनके मतलब को समझना प्लांट किंगडम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की डाउट क्रशर सीरीज में मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाली हूँ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में, ताकि इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स हो जाएं क्रश। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हर प्लांट की लाइफ में दो फेजेस आती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट नाम में ही है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी हमेशा हैप्लॉइड होगी, यानी इसमें क्रोमोसोम्स का एक ही सेट प्रेजेंट होगा, और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, यानी क्रोमोसोम्स दो के सेट में प्रेजेंट होंगे। तो होता क्या है, इसी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच प्लांट की लाइफ साइकिल अल्टरनेट करती रहती है। कैसे देखते हैं, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट, ऐसे ही दो गैमीट्स फ्यूज करेंगे और बना लेंगे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर, एक बात याद रखिएगा कि ये जो स्पोर्स हैं ये बनते हैं मियोसिस के थ्रू। मियोसिस की खासियत है कि ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी इसमें डॉटर सेल्स की प्लॉयडी हाफ हो जाती है। तो अगर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड था और उसमें मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बने, तो स्पोर्स कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड, राइट? और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट बना लेंगे, और यही हर प्लांट की लाइफ साइकिल में होता रहता है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया होगा अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, मतलब इसी तरह से प्लांट की लाइफ साइकिल हैप्लॉइड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड चलती रहती है। क्लियर? अमेजिंग। अब जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताने वाली हूं वो आपको प्लांट किंगडम को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी किंगडम प्लांटे के मेंबर्स हैं, यानी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड या सबसे ज्यादा एडवांस्ड कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स, राइट? और सबसे लेस एडवांस्ड, एल्गी। तो एवोल्यूशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे लीस्ट इवॉल्व हुए एल्गी, फिर एल्गी से ज्यादा इवॉल्व ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट से ज्यादा टेरिडोफाइट्स एंड सो ऑन, और सबसे ज्यादा इवॉल्व एंजियोस्पर्म्स, करेक्ट? तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा कि जितना ज्यादा इवॉल्व प्लांट होगा उसमें स्पोरोफाइट स्टेज यानी डिप्लॉयड फेज उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। प्रोमिनेंट मतलब जो ऑब्जर्वेबल होगी, फोटोसिंथेटिक होगी और लाइफ साइकिल के टर्म्स में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहेगी। और जो लीस्ट इवॉल्व प्लांट होगा उसमें सबसे लीस्ट प्रोमिनेंट होगी, छोटी सी होगी, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए हम मानते हैं कि भाई हम ह्यूमन से ज्यादा इवॉल्व तो कोई है ही नहीं, और हमारे सेल्स एक्सेप्ट गैमीट्स कैसे होते हैं, सारे डिप्लॉयड है ना। तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट प्लांट्स में लगाइएगा कि जो प्लांट्स सबसे ज्यादा इवॉल्व हैं यानी एंजियोस्पर्म्स, उसमें डिप्लॉयड स्टेज यानी स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, और गैमेटोफाइट स्टेज लेस प्रोमिनेंट होगी, इतनी लेस कि हमें केवल माइक्रोस्कोपिकली ही दिखेगी। बाकी आप जितने भी एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स को ऑब्जर्व करिएगा किसी गार्डन में, तो आप जिस भी प्लांट को देख रहे होंगे वो पूरा का पूरा स्पोरोफाइट होगा। एंजियोस्पर्म्स में स्पोरोफाइट फेज इतनी प्रोमिनेंट होती है। फिर जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इसमें एंजियोस्पर्म्स के कंपैरिजन में स्पोरोफाइट स्टेज लेस प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म्स से कम इवॉल्व है, और गैमेटोफाइट कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। क्लियर हो गया? यही ट्रेंड टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में फॉलो होगा। उसके बाद फाइनली एल्गी में स्पोरोफाइट स्टेज सबसे लेस प्रोमिनेंट होगी,
और बाकी आपको कहीं भी कोई एल्गी दिख जाए तो आप उसके गैमेटोफाइट को ही देख रहे होगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फेस होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली जब आप किंगडम प्लांटे पढ़ोगे तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट कही जाती है और टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट कही जाती है। तो आपको इस स्लाइड की हेल्प से ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से एक कंपैरेटिव टेबल बना लेते हैं जो भी अब तक हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोफाइट की, तो इट इज द हैप्लोइड फेज ऑफ प्लांट, जबकि स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड फेज ऑफ प्लांट्स। गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट्स जबकि स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, राइट? और फाइनली हम कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट इज मोर प्रोमिनेंट इन लोअर प्लांट्स, एग्जाम्पल एल्गी, एंड स्पोरोफाइट इज मोर प्रोमिनेंट इन हाइयर प्लांट्स, एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो डू लीव अ लाइक एंड कमेंट, इट रियली हेल्प्स द चैनल। आप हमारे बायोलॉजी 8 टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट वीडियो नोटिफिकेशन, पीपीटी एंड मटीरियल्स एट t.me/biology8। आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम @biology_8। ऑल्दो मैं वहाँ पर बहुत रेगुलरली पोस्ट नहीं करती हूँ, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस सून, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम स्टे क्यूरियस।